फ्रेंड, टुडे कंटिन्यू द चैप्टर डाइवर्सिटी द लविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पहले वीडियो में हमने बात किया था एनिमल्स के ही बारे में, एनिमल्स किंगडम के बारे में, एनिमलिया के बारे में, जिसमें हमने बात किया था आपका पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद इकानोडर्मेटा, वर्टिब्रेट, इसकी बात हमने बात किया था। जो 10 जो था टोटल 10 के मैंने बात किया था। आज हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 ग्रुप। उसको पहले 10, फिर इसके 5 ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला जो होगा वो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एयर एंड मैमेलिया। यानी कि इस बार में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए कि अब सारे का क्या क्या फंक्शन है, जरा उसको हम बताना चाहेंगे। देखिए फिश जो होता है, ये फिश आर एक्वेटिक एनिमल, सम आर द फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल और सम आर द सलाइन वाटर, यानी कि जो मैरन वाटर कहा जाए वो समुद्र के पानी में रहते हैं, ये फिशेस होते हैं। दूसरे बात, इसके पूरे स्कीम पर स्केल्स होते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, आप जो पॉइंट्स जो आपको डिफरेंसेस करके भी आता है तो उसको उसी तरह से लिखना है कि इसमें क्या होता है। तो पहली बार बताया इस, ये जितने भी क्लास के जो होंगे वो आपके एक्वेटिक है और सारा जो इस फिशेस में सारा ज्यादातर एक्वेटिक है, मैक्सिमम एक्वेटिक, एक्सक्लूसिव एक्वेटिक। ठीक है, बॉडी जो होता है ऐसा बना, उसमें गिल, इसको रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स जो होता है, आप मछली खाते होंगे या मछली लेने जाते होंगे तो देखे होंगे उसमें जो गलफड़े होते हैं जो गिल्स कहते हैं, उसके थ्रू से वो क्या करते हैं, ये डिजोल्व जो ऑक्सीजन होता है वाटर में उसको लोग लेते हैं। और इसके जो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, और दे हार्ट है तो ओनली 2 चैम्बर, इसके जो हार्ट पीस हमारे बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, दे आर द 4 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसके जो स्केलेटन मेड ऑफ द बोथ बोन एंड द कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या होते हैं कि आपका बोन और कार्टिलेज दोनों के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इसमें जो फीसेस है, पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला बात कि ये एक्वेटिक है, दूसरा बात कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, थर्ड बात जो पॉइंट में है कि ये 2 चैम्बर हार्टेड होते हैं, चौथा बात इसमें स्केल्स होते हैं। ठीक है, और इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन ऐसा होता है दैट इट हैव टू द एडेप्टेड टू द सर्वाइविंग इन द एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के जीने के लिए वो पूरी तरह से वो सक्षम होते हैं। तो दैट मींस कि ये जो फिशेस होते हैं, इसमें जो कैटेगरी आप जो जो फिश खाते हो, कतला जो भी आप लोग खाते होंगे, वो सारा जो इसमें ही आएंगे। ठीक है, और जैसे कि इसमें है आपका, देखिए सारा कुछ दिया हुआ फिशेस का, ये जितने फिशेस देख रहे हैं ये सारा उसी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम एम्फीबिया में आते हैं। एम्फीबिया दैट इज द वर्ड दैट द एनिमल लिव इन द बोथ लैंड एंड एक्वेटिक, वो जमीन पे भी रह सकते हैं या पानी में रह सकते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स एंड लंग्स होते हैं, गिल्स से भी करते हैं, क्योंकि देखिए आप जो मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग्स में, तो उसमें जब वो आपका जब वो टेडपोल स्टेज में होता है आपका, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट इन लोग होता है, तो ये जो टेडपोल होता है उसमें टेडपोल, उसको हम लोग बेंग मछली भी कहते हैं बहुत लोग जनरल भाषा में, तो उसमें देखिए गिल्स होते हैं। इन इन द क्या कहते हैं, इस स्टेज जो होता है आपको, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस का ये स्टेज जो होता है, इसमें जो होते हैं एक के बाद जो उसमें गिल्स होते हैं टेडपोल में, जो टेडपोल स्टेज में होते हैं जो फ्रॉग, उसमें गिल्स होते हैं, जैसे ही एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेस्पिरेशन जो होता है लंग से होता है। ठीक है, हार्ट जो है 3 चैम्बर होता है, पूरी तरह 4 चैम्बर में डिवाइडेड नहीं होता है, और उसमें इसमें जो हाँ, और दूसरी बात जो है कि ये अंडे लेज करते हैं, अंडे भी देते हैं, और इसका डेवलपमेंट ज्यादातर एक्सटर्नली, यानी पानी में देते हैं तो एक्सटर्नली डेवलपमेंट करें। कहने का मतलब हो गया कि एम्फीबिया का पहला तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द फाउंड लैंड एंड एक्वेटिक, दोनों में होते हैं। ठीक है, दूसरे बात थर्ड चैम्बर होते हैं,
उसके बाद इसके जो टेंटपोल स्टेज में गिल होते हैं और आपका जो जैसे वो आपका डेवलप हो जाता है इन डेवलप स्टेज दे आर द फाउंड लंग्स। अब आते हैं उसके बाद जैसे इसमें आ गया फ्रॉग आ गया आपका सेलेमेंडर हो गया टोड हो गया गानाटिंगा हाइला ये सब सारे सारा इसी में आते हैं। अब आते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल के नाम से नाम सुने होंगे सरीसृप जिसमें जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है स्केल्स होते हैं और इसमें भी लंग्स होते हैं और इसमें भी थ्री चैम्बर होता है लेकिन एक्सेप्शन जो केस में क्रोकोडाइल है उसमें फोर चैम्बर होते हैं ठीक है। और दे ले एग एंड टफ कवरिंग डू नॉट नीड टू द ले द एग ऑन द वाटर अनलाइक द एम्फीबिया। ये जिस तरह की आपका इसके जो अंडे होते हैं द एग ऑफ द रेप्टाइल इज द फॉर्म आउटर कवरिंग द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट वो उसका कैल्शियम का होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जो सांप के अच्छे अंडे और हम आपके जो घर में जो छिपकली है वो जो अंडे देते हैं उसमें ऐसा होता है ठीक है। तो दैट मीन्स कि रेप्टाइल्स जो होता है इसमें भी पहला बात ये कोल्ड ब्लडेड है थ्री चैम्बर होते हैं बट इन द केस ऑफ द क्रोकोडाइल दे आर द फोर चैम्बर हार्ट ये एक लेइंग करते हैं लेकिन उसके ऊपर एक हार्ट कवरिंग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ठीक है। जैसे इसमें आपका देखिए टर्टल और उसके बाद जो किंग कोबरा ठीक है और ये लिजार्ड ये सब सारे जो आपके घर में जो जो आपको जो देख रहे हैं छिपकली जो देखते हैं वो भी इसी में आता है ठीक है। इसी वजह से देखिए ठंडी का मौसम है तो अभी आपको छिपकली दिख नहीं रहा होगा क्योंकि दे गो टू द हाइबरनेशन इतने ऑल कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रीमली कोल्ड दे गो टू द हाइबरनेशन वो हाइबरनेशन में होते हैं। अब अगर बात करें एप्स की बात करें तो एप्स में जो जो है जितने भी जीव होते हैं वो वार्म ब्लडेड है। शुरुआत यहीं से वार्म ब्लडेड के होते हैं फोर चैम्बर हार्ट होते हैं और इसमें फीडर्स होते हैं जिससे दे आर द मोस्टली दिस क्लासेस द एनिमल्स हैव द कैपेसिटी टू फ्लाइंग फ्लाइंग का एक कैपेसिटी होती है और ये फोर चैम्बर हार्ट ठीक है। और ऑल पार्ट जितने भी है जितने भी पार्ट्स की मैं बात करें जैसे देखिए जो उड़ता हो या ना उड़ता हो है ना फ्लाइटलेस बर्ड या फ्लाइंग बर्ड सब ऑल आर द कम इन द एप्स में आते हैं ठीक है। और हम लोग अब बात आते हैं जो सबसे सक्सेसफुल क्लास दैट इज द मैमेलिया दैट विल आल्सो कम हम लोग भी इसी ग्रुप में आते हैं दे आर द फोर चैम्बर मैमेलिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे फीड द मिल्क ऑफ द नरिशमेंट या कहिए फॉर जानवर्स अपने बच्चों को ये दूध पिलाती है और इसमें अस्तन होता है यानी कि जो अस्तनधारी सो कहते हैं क्योंकि जिसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से दूध देने की क्षमता होती है इसलिए अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं उसको नरिशमेंट के लिए वो अपने दूध से पिलाते हैं इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अस्तनधारी हिंदी में है ना कि दे हैव द हैड द फाउंड अ मेमोरी ग्लैंड दैट एबल टू फीड द यंग वंस ये यंग वंस को फीड करने का काम करते हैं। तो इसमें जितने भी होते हैं इसमें मैमेलिया वेरी सक्सेसफुल क्लास ऑफ द एनिमल्स इन दिस एनिमल्स द यंग वंस आर द डेवलप इनसाइड द फीमेल्स बॉडी यानी कहने का मतलब होता है कि वो अंदर इसका माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स के बारे में तो 9 मंथ लगते हैं प्रॉपर उसको क्या कहते हैं उसको डेवलपमेंट होने में ठीक है। तो और इसमें भी जो एनिमल्स हैं वो सारा जो आपको आएगा वो आपका वार्म ब्लडेड है दैट वार्म ब्लडेड एनिमल हैड अ कैरेक्टरिस्टिक दैट एनिमल बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट तो वो एनवायरमेंट के अनुसार उसका चेंज नहीं होता है यानी कहने का मतलब इसमें ये जो वेरी सक्सेसफुल क्लास है हम लोग इसी में आते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में जाने कि वर्टिब्रेट को जो 5 कैटेगरी में बांटा गया फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल एप्स एंड मैमेलिया उसके बारे में आपको मैंने बताया ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर तो आप सारे इसके जो पार्ट्स हैं सारे को गौर से देखिएगा उसके अनुसार अपना होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा उसके नोट्स को कंप्लीट कीजिएगा ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।